हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज़ फाइन एंड फिर से अपनी यू पी एस सी ई पी एफ ओ की तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ गए हैं आपके साथ ठीक है तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहले अभी तक आपको एक क्लास मिल रही थी रोज़ ठीक है उसमें अल्टरनेट डेज पे आपको एक दिन गैप की क्लास मिल रही थी और एक दिन लॉ की क्लास मिल रही थी अब से आपको रोज क्लासेस मिला करेंगी दोनों सब्जेक्ट्स की गैप की क्लास आपकी नॉर्मल टाइम थ्री थर्टी पी के ऊपर ही रहेगी जो लाइव रहेगी और लॉ की क्लास अभी आने वाले कुछ दो तीन दिन या चार दिनों के लिए आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी और ये आपको फाइव थर्टी पर प्रीमियर हो जाया करेगी हमारे चैनल के ऊपर ठीक है तो डेली अब आपको क्लासेज मिलेंगी और जल्दी आपकी जनरल साइंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएफओ एग्जाम में और आपके इंग्लिश ठीक है इनकी क्लासेस भी जल्दी शुरू हो जाएंगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज होने वाली हैं ओके तो थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म अभी तक हम पार्ट तीन देख चुके हैं ये चौथा पार्ट है इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज इसीलिए इनके ऊपर थोड़ा स्लो चल रहे हैं हल्का हाथ रखा हुआ है ज़्यादा स्पीड से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एग्जाम में सवाल पूछे जाने के अच्छे खासे चांसेज इसमें रहते हैं इसी वजह से इसको कवर जो है अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इसको रिवाइज करते रहना साथ के साथ करना क्या है आज हमने एज यूजल सबसे पहले तो एमसी अपने रिवाइज करेंगे ठीक है लेक्चर थ्री में जो हमने पढ़ा था उसके एमसी रिवाइज करेंगे और फिर आज दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखेंगे एक है कॉमन एनवायरमेंटल थ्योरी और दूसरी है पर्लमेन्स थ्योरी ऑफ स्केर सिटी कॉन्शियसनेस नंबर ऑफ क्लासेज आपकी इसीलिए बढ़ाई गई हैं क्योंकि देखो हम जो है शिक्षित पे वी वट वी डू इज वी डू नॉट यू नो जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में चीज़ें स्किप नहीं कर सकते इसी वजह से हमें ऐसा लगा कि अगर हम ऑल्टरनेट डेज पे आपको क्लास देंगे तो आपका काफ़ी कुछ मिस ना हो जाए या फिर आप कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाओगे कि यार ये तो बहुत स्लो चल रहे हैं इसीलिए आप क्लासेस डेली आएंगी कंटेंट उतना ही रहेगा नंबर ऑफ क्लासेज बढ़ गई हैं ठीक है थीके? चलो तो जब भी सवाल है क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसी वजह से जब भी आपके सामने सवाल है, आप वीडियो को पॉज कर लेना और इसका आंसर करना और उसके बाद फिर चेक करना कि आपने ठीक दिया या नहीं और कमेंट में शेयर करना कि कितने सही हुए कितने गलत द कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज अ बुक रिटन बाय ठीक है सीधा सा सवाल है फैक्चुअल सा सवाल है और जिन बच्चों को यह लगता है कि यूपीएससी फैक्चुअल सवाल नहीं पूछता है तो वो पिछले कुछ सालों के यूपीएससी के पेपर उठाकर देख ले और यूपीएससी का कोई भी पेपर उठाकर देख ले पिछले दो तीन साल का उसको उसकी जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी तो सीधा सा सवाल है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है सिडनी वेब ने रॉबर्ट है फॉक्सी ने कार्ल मार्क्स ने या फ्रेडरिक एंजल्स ने ऑप्शंस है थ्री एंड फोर ओनली वन टू थ्री फोर ओनली थ्री ओनली फोर ओनली अब बहुत सारे बच्चे इसमें जो है आंसर जो लगाएंगे वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी थ्री ओनली जो कि आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बच्चों क्या रहेगा आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको खुद से पहले सोचा होगा करा होगा आंसर इसका आंसर रहेगा आपका 3 एंड 4 ओनली ठीक है 3 एंड 4 ओनली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इन दोनों ने मिलकर बच्चों ये किताब लिखी थी ठीक है क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो थोड़ी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं वैसे तो कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं या कम्युनिस्ट कल्चर की जब हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक एंगल्स इज आल्सो अ वेरी बिग नेम बट कार्ल मार्क्स उनके मुकाबले थोड़ा सा मार्क्स बिकॉज कार्ल मार्क्स इज नोन एज अ फादर ऑफ कम्युनिज्म ठीक है तो ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि ये कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है लेकिन ये किताब दोनों ने मिलकर के लिखी है तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई भी थी अगर आप देखो तो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी और मैंने बताया था कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है कई बार कि सिर्फ काल मार्क्स ने लिखी है लेकिन ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था एबीसीडी वाला ऑप्शन भी हो सकता था सीधा और उसमें काल मार्क्स ऑप्शन में ही ना होता और फ्रेडरिक एंजल्स ऑप्शन में होता तो आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते इसीलिए ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए इन दोनों भाई साहब ने मिलकर के ही ये वाली जो है आपकी किताब लिखी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विच अमंग द following is one of the outcomes that result in growth of labor movement according to marx's class conflict theory marx ne class conflict theory di theek hai ab ek sawal dekho yahan se bhi ban sakta tha seedha seedha sawal pucha ja sakta tha ki bhaiya class conflict theory kisne di hai Option में हो जाता Marx ने दी है फ्रेडरिक Engels ने दी है या Lenin ने दी है Stalin ने दी है कोई भी कॉम्युनिज्म में अगर क्लास कंफ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं हमारा ध्यान जो है कॉम्युनिज्म के ऊपर जाता है तो जो प्रोमिनेट कॉम्युनिस्ट थे उनके नाम जो है वो ऑप्शन में दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास थ्योरी किसने दी है ये भी एक आपका प्रोबेबल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन दो के आपके ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे भी गए हैं अगर आपने ईपीएफओ का पेपर स्टडी कर लिया है तो ईपीएफओ का पेपर अगर अभी तक डिटेल सोल्यूशन के साथ स्टडी नहीं किया है तो वेबसाइट के ऊपर जाओ वहां पर जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ जो है पेपर अवेलेबल है ठीक है तो क्लास कंफ्लिक्ट थ्योरी दी है मार्क्स ने अब मार्क्स ने इस थ्योरी में कहा है कि भैया जो लेबर मूवमेंट है वो तीन कारणों की वजह से होती है ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन है पूछा गया कि इनमें से कौन सा वो कारण है तीन में से कौन सा वो कारण है से आपको बताना है कि इसमें आपका सोल्यूशन क्या रहेगा कौन सा कारण जो है वो बनेगा चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही जो है Uh, कारण बनते हैं जिससे लेबर मूवमेंट ग्रो करती है यह भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि तीन आउटकम जो एड करते हैं ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट को एक तो एक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ जो कैपिटलिस्ट अपने पास पैसा इकट्ठा कर लेते हैं दूसरा जो डिप्रेशन आता है वेजिस में जो वेजेस कम हो जाती हैं और तीसरा इनएविटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे डिप्रेशन बूम रिसेशन डिप्रेशन रिसेशन वगैरह जो है इनको इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाता है अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो क्या होता है कि भैया कैपिटलिस्ट के पास तो पैसा इकट्ठा हुआ हुआ है वो तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन एज ए डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो लेबर क्लास होती है उनकी वेजेस कम हो जाती हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो अल्टीमेट सफरर कौन होते हैं लेबर क्लास इसी वजह से लेबर मूवमेंट जो है वो इमर्ज हुई ये भी हमने डिटेल में लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म गिवन बाय एज सिंपल एज दैट अगर आपको बस इतना पता है कि ये थ्योरी पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है तो आप इसका आंसर कर सकते हो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है थ्योरी में क्या है क्या नहीं है ये आपसे कुछ नहीं पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है सिडनी वेब रॉबर्ट एफ कार्ल मार्क्स या फ्रेंक टेननबन बताइए क्या आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रेंक टेननबन जो आपके वेब साहब थे इन्होंने कौन सी दी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी दी थी ना है ना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी उसके बाद जो रॉबर्ट एफ ऑक्सी थे इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने फंक्शनल थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन दी थी फंक्शनल थ्योरी इन्होंने कहा था कि अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग यूनियंस का पार्ट बनते हैं कार्ल मार्क्स अभी हमने देखा इन्होंने कौन सी दी थी क्लास कंफ्लिक्ट थ्योरी ठीक है तो अब आप देख रहे हो और अल्टीमेटली फ्रैंक टेनमन के साथ आ गई आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी तो अल्टीमेटली यहां पर आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है सिमिलर क्वेश्चन आपका किस फॉर्म वे में बन जाता मैच द फॉलोइंग वाला ठीक है आपको चार ये जो है थ्योरिस्ट एग्जामिनर दे देता और उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी वो दे देता सामने और आपको कह देता कि मैच करो तो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जिसको आप आपके जहन में रहना चाहिए कि हाँ इस तरह से भी सवाल जो है पूछा जा सकता है चलिए अब आप हम बात करेंगे कॉमंस एनवायरमेंटल थ्योरी की ठीक है जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो ये है कॉमन भाई साहब छोटी सी थ्योरी है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं तो जॉन आर कॉमंस जो थे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में यूएसए में अब ये आपको याद करना जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से कहाँ के थ्योरिस्ट थे ये बस एक ना ब्रीफ आइडिया था कि इंटरेस्टिंग बनी रहे चीजें कुछ चीज़ें वैसे ही बतानी पड़ती हैं टीचर को ठीक है तो ये वो वाली चीज है ओके तो यूएसए अब आप देखो ज्यादातर जितने भी थ्योरिस्ट आए हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो यूएसए के हैं ओके सो यू कैन से दैट यूएसए हैज बीन द ग्राउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ थ्योरी अगर अल्टीमेटली ट्रेड यूनियन इमर्ज होनी शुरू हुई यूनाइटेड किंगडम में हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ लेकिन जो ट्रेड यूनियनिज्म की जो थ्योरी बिल्डअप होनी शुरू हुई है वो मेनली कहां पर हुई है वो यूएस में हुई है ठीक है तो यूएस के ये हमारे भाई साहब एक प्रोफेसर थे तो इन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो इन्वायरमेंटल फे, फैक्टर के ऊपर बेस्ड है और इसी वजह से इन्होंने जो थ्योरी दी उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट अब इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट बोला जाता है मार्केट को ठीक है तो भाई साहब सीधी सीधी बात ये बोलते हैं कि जो यूनियनिज्म है जो ट्रेड यूनियन है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव डिवाइस है एक तरह का आर्मर है जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है मार्केट की हार्शनेस से मार्केट की हार्शनेस कैसे मार्केट इज अ चेंजिंग फिनोमिना ठीक है मार्केट में चेंज आता रहता है चेंज किस तरह का हो सकता है कस्टमर टेस्ट चेंज हो गया ठीक है अब कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री जो है जूते बनाती थी और जिस टाइप के वो जूते बनाती थी उन जूतों का जो है फैशन खत्म हो गया अब वो जूते मार्केट में डिमांड में ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा वो फैक्ट्री का ओनर उन लेबर वालों को बाहर निकाल देगा वर्कर्स को बाहर निकाल देगा कि भैया अब मेरे जूते बिक तो नहीं रहे मैं क्या करूंगा कस्टमर की वजह से जो चेंज आया ठीक है सरकार की कोई पॉलिसी की वजह से चेंज आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कोई चेंज आ गया गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भैया तुम ये जूते बना ही नहीं सकते ये जूते जो है इन लोगों के पैर खराब करते हैं तो तुम ये जूते नहीं बना सकते वो भी तो एक फैक्टर हो गया टैक्सेशन इंक्रीज हो गया टैक्स रेट इंक्रीज हो गया टैक्स रेट बढ़ गया ठीक है टैक्स रेट बढ़ गया लेकिन प्रॉब्लम अब क्या आ रही है कि टैक्स तो बढ़ गया लेकिन अगर वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता प्राइस बढ़ा देगा तो वो क्या हो जाएगा कस्टमर खरीदना बंद कर देगा कस्टमर जो है कॉम्पिटेटिव जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके ऊपर चला जाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा और अपनी कॉस्ट कम करने के चक्कर में वेजेस कम कर देगा तो इन सारे चेंजेस जो हैं इनको क्या बोला जाता है एनवायरमेंटल या मार्केट चेंजेस और इन मार्केट चेंजेस से वर्कर को बचाने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो इमर्ज हुआ ऐसा कहना है कॉम्स की एनवायरमेंटल थ्योरी का ठीक है कॉमन्स अपनी एनवायरमेंटल थ्योरी में एक चीज और बोलता है कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में वो बोलता है देखो कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में ऑलमोस्ट सारे थ्योरिस्ट ने कुछ ना कुछ बोला है ठीक है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में क्या बोलता है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्लास स्ट्रगल का जो वर्किंग क्लास है उनके हाथ में और इसको यूज करके एक हेल्दी पार्टनरशिप बिल्ड की जा सकती है इंप्लॉयर्स और इंप्लॉयज के बीच में समझ गए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी काफी इंपॉर्टेंट जो है कॉमन्स की एनवायरमेंटल थ्योरी ने बताया तो यही आपकी मोटी मोटी जो है एनवायरमेंटल थ्योरी है कि जो मार्केट का हार्शनेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ट्रेड यूनियनिज्म इमर्जी अगर आप आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट सेट दैट ट्रेड यूनियनिज्म है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ environment. नीचे चार ऑप्शन दे देगा मार्क्स दे देगा दे वेब दे देगा टेनबर्न दे देगा पर्लमैन दे देगा दे 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 पर्ल दे दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया कॉमन ने दिया इनमें से कोई भी नहीं है जॉन आर कॉमन ने ये बोला कि भैया मार्केट की हार्शनेस से बचाने के लिए ट्रेड यूनियंस का इमरजेंस हुई अब ये ट्रेड यूनियंस कैसे बचाएंगी ट्रेड यूनियंस देखो वो इंप्लायमेंट कंडीशन को रेगुलेट करती हैं वो जब नॉर्मल टाइम्स होता है ना तभी इंप्लायर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भैया अगर इकोनॉमिक रिसेशन आया तो तू वेजेस नहीं कम कर सकता एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा वेजेस नहीं कम कर सकता तू किसी को जॉब से नहीं निकाल सकता और अगर तू जॉब से निकालेगा तो हम सारे के सारे जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे समझ रहे हो तो इस तरह से लेबर के ऊपर कंट्रोल ले लेती है ट्रेड यूनियन और फिर अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट करती है मार्केट हार्शनेस से आई थिंक यू गॉट इट किसी को कुछ ना समझ आए तो वो कमेंट कर देना और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बोलता हूँ वो इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपका उसमें फायदा बहुत ज्यादा है ठीक है कमेंट में आप चीजें डिस्कस करते हो, कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर इसके अलावा अगर किसी और को कोई डाउट हो तो वो हमें मेल कर सकता है कॉन्टैक्ट कर सकता है ठीक है आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन के ऊपर आप हमें लिख भी सकते हो ऑन शिक्षित एट द रेट जी डॉट कॉम के ऊपर ओके okay. उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम और वहां पर जाकर जब आप साइन अप करोगे तो वहां पर आपको एक पब्लिक प्ल, प्लेटफॉर्म मिलेगा पब्लिक फोरम नाम से एक प, फोरम वहां पर मिलेगा आपको वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो आपस में चीजें डिस्कस कर सकते हो राइट चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पर्लम थ्योरी ऑफ स्र कॉन्शियसनेस देखो सबकी थ्योरी जिस जिसने जो जो थ्योरी का नाम दिया है वो सबने आपने याद रखना है सीधा सीधा सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है अब इस केस में सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि स्केरसिटी कॉन्शियसनेस की थ्योरी किसने दी है तो आप इजिली कह दोगे भैया पर्लमैन ने दी है और आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में और इन ईपीएफओ स्केट थ्री मार्क्स ठीक है आपको सबको पता है ना कि ईपीएफओ की मार्किंग स्कीम जो यूपीएससी का ये ईपीएफओ वाला पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम आपकी क्या है फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट जीरो पॉइंट एट थ्री मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट जीरो पॉइंट टू सेवन मार्क्स तो इस चीज को आपने अपने दिमाग में रखना है चलिए तो पर्लमैन अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यूएसए से थे और कॉमन्स भाई साहब के साथ ही काम किया करते थे उनके साथ ही पढ़ाया करते थे वहाँ पे और इन्होंने यूएसए में ट्रेड यूनियनिज्म को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया और इस स्टडी के बिहाव पर इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स इन नाइनटीन ठीक है तो ये पर्टिकुलर इनकी किताब का नाम था अब पर्लमैन की जो थ्योरी है वो कहती है कि ट्रेड यूनियनिज्म का जो इमर्जेंस हुआ ना जो ट्रेड यूनियंस इमर्ज हुई वो स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस की वजह से हुई जो वर्कर्स में होती है अब स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस क्या होती है स्कैरसिटी यानी कि कमी किसी चीज की कमी अब वर्कर्स के अंदर किस चीज की आ, किस चीज का डर है कि जॉब्स की कमी है मार्केट में सिटी यहां पर जो स्केयर सिटी कॉन्शियसनेस की पर्लमेन भाई साहब बात कर रहे हैं वो कौन सकेयर सिटी है वो है आपकी जॉब स्केयर सिटी जॉब्स की कमी जैसे आप देखते हो ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है लिमिटेड लोगों को ही जॉब मिल रही है अब आप पेपर देने जा रहे हो दस लाख बच्चों ने ईपीएफओ का पेपर भर दिया ठीक है लेकिन आपके मन में टेंशन है कि भैया चार सीटें हैं ठीक है तो एक जॉब स्केयर सिटी है ना आपको ज्वाइन आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना है ईपीएफओ में अकाउंट्स ऑफिसर बनना है ईपीएफओ में लेकिन सीटें चार सौ इक्कीस है भरने वाले दस लाख हैं तो आपके अंदर भी क्या होगा एक स्केरसिटी कॉन्शियसनेस आएगी उसी कॉन्शियसनेस की वजह से आप प्रिपेयर करोगे दस घंटे पढ़ोगे बारह घंटे पढ़ोगे कि यार दस लाख बच्चों ने भरा चार सौ इक्कीस सीटें मेरे को पेपर क्लियर करना है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा तो उसी तरह की स्केयरसिटी कॉन्शियसनेस जो है वर्कर क्लास में होती है तो पर्लमेन भाई साहब क्या कहते हैं अब ये जो स्केर ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन्होंने किताब तो लिखी यूएसए में स्टडी तो इन्होंने लेबर यूनियन को किया था यूएसए की लेकिन ये कहते हैं कि ये जो scarcity है ना अपॉर्चुनिटीज की scarcity का जो डर है ये यूनिवर्सल साइकोलॉजी है सारी दुनिया के लोगों में है ठीक है आप इंडिया में रहते हो आप में भी है कि चार सीटें दस लाख एप्लीकेंट मेरा क्या होगा हमारे ओके okay? तो ये स्केयर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू पर्लमैन इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ओके okay, पूरी दुनिया में ये है और मैनुअल वर्कर्स में स्पेशली क्योंकि देखो आपके पास तो फिर भी अपॉर्चुनिटी है अब एक मैनुअल वर्कर है ठीक है ही ही इज इज नॉट दैट एजुकेटेड ओके इलिटरेट है या इतना एजुकेटेड नहीं है वर्कर का, का काम करता है या डेली वेज अर्नर का, का काम करता है अब आपका ईपीएफओ का पेपर नहीं भी क्रैक हुआ भगवान ना करे ऐसा ना हो लेकिन अगर आपका ईपीएफओ का पेपर नहीं भी क्रैक हुआ तो ग्रेजुएट्स के लिए और बहुत सारे सरकारी पेपर निकलते हैं अब वो भरते रहोगे और कभी ना कभी आपका कोई ना कोई पेपर निकल जाएगा लेकिन एक मैनुअल वर्कर जो है इसको कुछ काम नहीं आता इसको सिर्फ एक मशीन चलानी आती है उसके अलावा इसको कुछ करना नहीं आता तो इसके अंदर जो डर है वो ज्यादा होएगा क्योंकि अगर इसको एक फैक्ट्री वाले ने निकाल दिया तो इसको दोबारा कहीं नौकरी मिले ना मिले वो को उसकी उस चीज की कोई गारंटी नहीं है तो इनके अंदर जो डर है जो स्कैरसिटी uh, कॉन्शियसनेस है वो एज कंपेयर टू एक एजुकेटेड यूथ उससे ज्यादा है राइट right. और scarcity consciousness emerge होती है क्योंकि इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है वर्कर की वो इंप्रूव नहीं हो सकती एक पॉइंट के आगे आप लोगों तो आप लोग एजुकेशन ले रहे हो आप अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है गेन नॉलेज करते जा रहे हो लेकिन जो वर्कर क्लास होती है उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो मशीन पे काम करते करते एक दिन ऐसा होगा कि उसको मशीन पे काम करते ही इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो कंपनी का उसको एमडी बना दिया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होगा तो आप वो वर्कर है वो उसकी लिमिटेड वेजेस हैं और वो उन लिमिटेड वेजेस से बहुत कुछ ज्यादा अपने लिए कर नहीं सकता क्योंकि उन लिमिटेड वेजेस से उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी नहीं होती हैं रोटी कपड़ा और मकान तो ग्रो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक पोजीशन कुछ खास इंप्रूव होने वाली है नहीं एक ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही उसका रहेगा ठीक है इस वजह से भी क्योंकि उसका जो माइंड है वो ग्रो नहीं कर रहा है और उसकी अपॉर्चुनिटी लेवल जो है वो भी ग्रो नहीं कर रही है तो इसी वजह से उसमें जॉब कॉन्शियसनेस जो है वो ज्यादा रहेगी ऑल और यहां पर फिर यूनियंस आती है ताकि वो जॉब्स जो है उनके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लें जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लें ताकि जो ये कॉन्शियसनेस स्केरसिटी है ये इन लोगों में खत्म हो जाए मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था अगर आप रेलवे स्टेशन में कभी आपने ट्रैवल किया हो ट्रेन से कभी ट्रैवल किया हो या बस से कभी ट्रैवल किया हो तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो या बस स्टैंड से बाहर निकलते हो तो ऑटो रिक्शा स्टैंड के ऊपर आप जाते हो ऐसे ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं वहां पर ठीक है एक एक करके अब ऐसा इस इन ऑटो रिक्शा स्टैंड में जहां पर यूनियन बनी होती है सब जगह नहीं बनी होती लेकिन बड़े रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह के रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे तो वहां पर यूनियन बनी होती है अब यूनियन में क्या होता है कि अगर आप ये नंबर वन यहां से ऑटो एग्जिट करेगा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके ऑटो है आप यहां से निकले और आप सीधा सातवें नंबर ऑटो के पास पहुंच गए कि भैया चलोगे यहां यहां जाना है मुझे तो वो ऑटो वाला क्या करेगा आपको यहां पर छोड़ आएगा इस ऑटो वाले के पास और अल्टीमेटली ये आपको लेकर जाएगा इनके प्राइसेस भी फिक्स होते हैं कि भाई इतने डिस्टेंस का इतना लेना इतने डिस्टेंस का इतना लेना यहाँ तक का इतना वहां तक का इतना सब कुछ फिक्स होता है ये आपको एक नंबर ऑटो वाले के पास ले जाएगा अल्टीमेटली अभी एक, एक नंबर ऑटो वाला जो है अपनी सवारी लेकर जाएगा अब अगला जो दूसरे नंबर ऑटो वाला है वो इसकी जगह ले लेगा ठीक है सिमिलरली सारे इसकी जगह ले लेंगे अब अल्टीमेटली जब ये एक नंबर ऑटो वाला अपनी सवारी को छोड़ करके वापिस आएगा तो ये आगे नहीं लगेगा ये अब सबसे पीछे लगेगा और अब इसका नंबर सात हो जाएगा ठीक है इससे क्या होगा ताकि सबको सवारी मिल जाए और सारे लोग जो है अच्छे से कमा पाए इससे क्या होगा स्केयसिटी कॉन्शियसनेस जो है इन ऑटो ड्राइवर्स में खत्म हो गई इन ऑटो रिक्शा वालों में स्क्योरिटी कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म होगी नहीं तो पहले क्या होता था ये आपस में 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 ही लड़ते रहते थे मेरे आ जा, मेरे ऑटो ऑटो आके आके बैठ बैठ जा ये आपने चीज देखी भी होगी कई जगहों पर जहां पर यूनियन नहीं होती है तो इस चीज को ये यूनियन जो है खत्म कर देती है कि भैया तेरा नंबर आएगा ही आएगा अब फॉर एग्जाम्पल पहले दिन सिर्फ छह लोग आए ऑटो लेने और सात ऑटो वाले थे और छह ऑटो जो है उनका नंबर आ गया सातवें वाले ने तो कुछ कमाया ही नहीं तो अगले दिन क्या होगा इस सातवें ऑटो को सबसे पहले रखा जाएगा ताकि अल्टीमेटली सब लोग जो है वो अर्न करें गॉट द आइडिया चलिए उसके बाद अब पर्लमैन ने भी आपके तीन फैक्टर दिए जो यूनियन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं सबसे पहले सबसे पहला फैक्टर था द रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है जो कैपिटलिस्ट हैं वो रेजिस्ट करेंगे दूसरा द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्चुअल्स जो रोल प्ले करते हैं ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में और तीसरा कितनी मेच्योर हैं ट्रेड यूनियंस ठीक है मेच्योरिटी जो है वो विद टाइम आती है एंड अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप आती है कि उन ट्रेड यूनियंस में लीडरशिप कौन है मैनेजमेंट में कौन है तो ये तीन फैक्टर्स जो है पर्लमैन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं यूनियन की एक्टिविटीज को एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हर किसी ने कुछ ना कुछ बोला है तो पर्लमैन ने भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट 1928 ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और इनकी किताबों का आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब इस किताब में पर्लमैन ने क्या कहा कि जो यूनियंस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही उस उनके साथ साथ कलेक्टिव बारगेनिंग जो मेथड है जिससे यूनियंस और एम्प्लॉयर uh, uh, जो हैं वो आपस में बैठते हैं और चीज़ों को डील करते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कलेक्टिव बारगेनिंग बेसिकली होता क्या है कि दोनों टेबल पर बैठते हैं और दोनों अपनी अपनी डिमांड्स और अपनी अपनी नीड्स को एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं इंप्लाइज भी और इम्प्लॉयर्स भी और अल्टीमेटली दोनों एक कॉमन सोल्यूशन पर आने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सके ठीक है कुछ वर्कर्स का डिमांड पूरी हो जाए और कुछ इंप्लॉयर की डिमांड पूरी हो जाए तो पर्लमैन के अकॉर्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग अलॉन्ग विद ट्रेड यूनियन इज एन एसेंशियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए और एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके बाद पर्लमैन ने एक और चीज बोली पर्लमैन कहते हैं कि जो यूनियन बनती है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से बनती है पर्लमैन क्या कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं इनमें कोहेसिवनेस या क्लास कॉन्शियसनेस की वैल्यूज होती ही नहीं जो गरीब आदमी है जो एक वर्किंग क्लास लेबर क्लास है जिसको ये पता है कि अगर उसने वो आ, आ, आज की उसको पैसे मिले तो उसके घर में खाना पकेगा नहीं तो उसके घर में खाना नहीं पकेगा उस आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्लास कॉन्शियस हो उसको सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कि भैया मैं जब घर पहुंचू तो मेरे पास मेरे हाथ में मेरे बच्चों के लिए खाना हो तो पर्लमैन भी यही कह रहे हैं कि देखो ये जो वर्कर होते हैं इनमें ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि ये अपनी क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें क्लास यहाँ पर जब हम यहाँ पर लेबर लॉज में या इंडस्ट्रियल लॉज में हम क्लास की बात करते हैं तो हम वर्कर क्लास की बात कर रहे होते हैं ठीक है वर्कर क्लास होगी फिर कैपिटलिस्ट क्लास होगी तो यहाँ पर वर्कर क्लास की बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे भाई क्लास को कॉन्शियसनेस है कि मैं वर्कर क्लास के बारे में सोचू अपने बाकी के भाइयों के बारे में सोचूं ऐसा कुछ नहीं होता पर्लमैन के अकॉर्डिंग और पर्लमैन भी कहते कर सकें सके ना ही वो इस लेबर यूनियन के लिए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं ठीक है, है? जिससे वो पर्टिकुलर यूनियन जो है स्ट्रांग बन सके ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन को ज्वाइन करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ठीक है ताकि ये अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर सकें क्योंकि अगर वेजेस प्रोटेक्ट करनी है तो उसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट है कि अगर मैं ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाता हूं तो ये यूनियन मेरी वेजेस प्रोटेक्ट करेगी ठीक है अगर मैं ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाता हूं तो कंपनी वाले मुझे निकाल नहीं पाएंगे अगर मुझे निकालेंगे तो मेरी ट्रेड यूनियन मेरे साथ खड़ी हो जाएगी इनका ये इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है ठीक है इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये यूनियन को स्ट्रांग बनाने के लिए काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली right. इसी कारण की वजह से क्योंकि सब लोग जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जुड़े हैं इसी वजह से यूनियन जो है वो कैपिटलिज्म की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट कर रही है एक वे में क्योंकि कोई भी वर्कर जो है वो काम तो इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो ट्रेड यूनियन को स्ट्रांग बना पाए वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है ठीक है तो इसी वजह से इसको क्या बोला इन्होंने कि यूनियन जो है वो लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर रही है कैपिटलिज्म की इनडायरेक्टली ठीक है दो दे एम टू लिमिट इट्स एक्सेस एंड दे मस्ट ट्राइव टू स्टैब्लिश जॉब राइट फॉर वर्कर्स ठीक है कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं उस पर लिमिटेशन लग रही है क्योंकि ट्रेड यूनियन तो बनी गई और अल्टीमेटली वो ट्रेड यूनियन वर्कर्स को जॉब राइट देने की कोशिश कर रही है उसके बाद पर्लमैन ने कुछ इंटेलेक्चुअल्स के बारे में भी कहा इन व्यक्ति को शायद आप जानते होंगे अगर आप हैरी पॉटर फैन रहे हैं तो ठीक है हैरी पॉटर में ये गॉब्लिन जुआ करते थे और हैरी पॉटर द सॉस्टेस्ट स्टोन अगर आपने पहला पार्ट देखा तो उसमें जो हैग्रिड होता है वो हैरी को बताता है कि दी इज आर वेरी इंटेलिजेंट और ये गॉबलिन जो होते हैं ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते ठीक है होते हैं ना कहीं होशियार लोग होते हैं उनको ये लगता है कि भैया सब सारी दुनिया का ज्ञान हमारे पास ही है सारे ज्ञान का समंदर हमारे पास ही है और बाकी किसी को कुछ नहीं पता तो पर्लमैन इन इंटेलेक्चुअल्स के बारे में क्या कहता है पर्लमैन कहता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और ये इंटेलेक्चुअल्स जनरली कौन होते हैं ये वर्कर क्लास के लोग नहीं होते ये बाहर के लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं या लेक्चरर होते हैं बड़े बड़े तो पर्लमैन क्या कहता है कि जो ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ये हमेशा ट्रेड यूनियंस की अप्रोच को अंडरमाइन करते हैं उनको छोटा बोलते हैं वो ये समझते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं दे बिलीव दैट लेबर क्लास की कंडीशन सिर्फ तभी इंप्रूव हो सकती है जब वो उनकी आइडियोलॉजी को यानी कि इंटेलेक्चुअल्स की आइडियोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट कर ले जो इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं वो वैसे करें अगर लेबर क्लास जो है अपनी यूनियन बनाकर अपने हिसाब से ही चीज़ों को डिसाइड करती है या अपने हिसाब से ही चीजों पर एक्शन लेती है तो वो कभी कामयाब हो नहीं सकती वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो रहा है तो इंटेलेक्चुअल्स को एक तरह से पर्लमेन ने नेगेटिव वे में टारगेट यहां पर किया है तो ये भी आपने याद रखना है पॉइंट वाइज जो आपके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले उसमें ये तरह इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ऑल राइट फ्रेंड्स आज की हमारी ये दो थ्योरीज थी अब तो डेली मिलना रहेगा तो टेंशन की बात है नहीं कोई जल्दी से पूरा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ खत्म कर देंगे टेंशन मत लेना रिवीजन हमने कर ली थर्ड लेक्चर की मार्क, उसके बाद मार्क्सेन लिखा है यहाँ पर मार्क्सें नहीं था कॉमन्स हमने कौन सी पढ़ी थी कॉमन्स एनवायरमेंटल थ्योरी ठीक है कॉमन्स एनवायरमेंटल थ्योरी ऑल राइट right, और उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी पर्समैन थ्योरी ऑफ स्के कॉन्शियसनेस ओके तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरीज के साथ और गांधी जी ट्रस्टीशिप थ्योरी भी अभी हमने करनी है तो जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है मनो तो कर देना लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना उससे आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे जैसे ही जो वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी बेल आइकन को प्रेस करके तो आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू वेरी मच कोरोना के समय में ध्यान रखें अपना अपने आप को सेफ रखें हाइजीन का पालन करें और पढ़ाई करते रहें धन्यवाद